कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस, और इसका जो अनदर नेम है दैट इज़ वेकफुलनेस. और कॉन्शियसनेस क्या होते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. उसका अदर नेम वेकफुलनेस होता है. देन कुछ अल्टर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं. अल्टर स्टेट्स मीन अपोजिट, कॉन्शियस के जो अपोजिट है वो क्या होता है, यानी कॉन्शियसनेस है अवेयरनेस की स्टेट है, और दूसरी स्टेट यानी उसकी अपोजिट क्या होगा, तो दैट मीन्स उसकी अपोजिट स्लीपिंग स्टेट है, रेस्टिंग स्टेट है, ड्रीमिंग स्टेट है. सो ये MCQs भी इंपॉर्टेंट हैं. जो कुछ स्टेट्स हैं उन्होंने मेंशन की है, स्लीप है, ड्रीमिंग है, हिप्नोसिस है, मेडिटेशन है, ड्रग इंड्यूस्ड स्टेट्स हैं जिसमें आप अवेयर नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती आपको. सो नेक्स्ट है स्लीप. स्लीप के बारे में इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो हाईलाइटेड हैं, इनको आपने ऐसे रीड कर लेना है. और स्लीप जो है वो टाइम रेस्ट ऑफ टाइम आपका टाइम ऑफ रेस्ट है आपका, और जिसमें आपकी बॉडी की रिजुविनेशन होती है, रिकंस्ट्रक्शन होती है, जो आपके जितने भी सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनको एक रेस्टिंग टाइम मिलता है. एंड स्टेजेस ऑफ स्लीप क्या है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. और आपका ये कॉन्सेप्ट भी इसका क्लियर है, तो इसमें कंसेप्चुअल MCQs भी आ सकते हैं आपको, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ये. और इसमें जो आपके EEG है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और इसमें कुछ सिनेरियो आपको दिया जा सकता है जिससे आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी स्टेज है, तो इसलिए आपने अच्छी तरीके से स्टेजेस को चेक करना है. स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री पे क्या होता है इसका आपको आइडिया होना चाहिए. और इसमें जो स्टेजेस हैं, ये साइकिल्स जो हैं वो कितनी, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 90 मिनट्स है. एंड देन REP जो है वो कब होती है, यानी रैपिड आई मूवमेंट जो है वो कब अकर होती है, कौन सी स्टेज पे अकर होती है, दैट इज़ स्लीप वन. और स्लीप टू जो है वो स्लीप स्पिंडल्स किसे कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. और ये मोस्टली MCQs जो हैं ये पेपर में आए हुए हैं और आपके क्विज वगैरह में भी आई हैं, तो सारे जो MCQs जितने भी हाईलाइटेड हैं ये सब पेपर में आ चुके हैं. और पास पेपर में से ये क्विज लिया गया है, क्विज वगैरह जो भी आपके MCQs थे उसमें से लिए गए हैं कुछ MCQs, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और इन सबको आपने कंसीडर करना है. और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है जिसमें स्टेजेस ऑफ स्लीप जो हैं वो इनका आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है. और हम हाउ मच स्लीप डू वी नीड, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये जिस तरह क्वेश्चन होते हैं इसी तरह से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और जिसको आपने एक्सप्लेन करना है फिर, या फिर REM क्या है और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप क्या होती है उसको एक्सप्लेन करना है. इसमें इंपॉर्टेंट इस सर्कैडियन रिदम का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. और इसमें से जो MCQs हैं वो भी हाईलाइट कर दिए गए हैं. और REM कब अकर होती है, स्टेज फोर पे होती है, और इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एंड देन नंबर ऑफ आवर्स पीपल, कितने आवर्स जो हैं वो एवरेज आवर्स जो हैं एक इंसान को सोने के लिए, एवरेज जो लोग हैं कितना सोते हैं और कितना सोना ज़रूरी है. सो यहाँ पर स्लीप डेप्रिवेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, उनको मेंशन किया गया है. और इसके अलावा कॉजेज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं कौन से हैं, इंसोम्निया है, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, हाइपरसोम्निया है. और कॉजेज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका. इसमें से जितने पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं इसमें MCQs आ सकता है, जिसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि कॉजेज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स ये हैं, और उसमें से एक्सेप्ट आपने बताना है. तो एक्सेप्ट वाला जो है वो डिफरेंट MCQs, वो डिफरेंट जो है वो इस पॉइंट्स के अलावा डिफरेंट वैल्यू ऐड कर देते हैं, डिफरेंट MCQs बना देते हैं, जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला कॉज नहीं है स्लीप डिसऑर्डर का. और नेक्स्ट है प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर गेटिंग रिड ऑफ मोस्ट स्लीप प्रॉब्लम्स, यानी आप किस तरह स्लीप प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. सो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ड्रीम्स एंड स्लीपिंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है. ड्रीम्स जो है इसकी जितनी भी थेरीज हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. ये अलग से थेरीज भी आ सकती हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन पे, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, और इस पर कुछ MCQs भी हो सकते हैं. इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ज़रूरी है. अदर अल्टर्ड स्टेट्स जो हैं कॉन्शियसनेस की, हिप्नोसिस है एंड मेडिकेशन है, ड्रग्स इंड्यूस्ड स्टेट्स हैं. हिप्नोसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार MCQs आए हैं इसका. व्हाई डू पीपल गो फॉर हिप्नोसिस, क्यों जाते हैं हिप्नोसिस के लिए, और हिप्नोसिस कहाँ कहाँ पर काम आ सकता है, या इसमें जो है वो वेरियस रीजंस बताने हैं आपने. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट वेज में से एक ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है आपसे. और हिप्नोसिस कितनी इफेक्टिव है, या मेडिटेशन कितनी इफेक्टिव है, मेडिटेशन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है. एंड देन फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू मेडिटेशन के जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो क्या हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है. और ये MCQs भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से उन्होंने पूछना है आपसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू मेडिटेशन ये वाले हैं, एक्सेप्ट दैट, तो एक्सेप्ट करके भी पूछ सकते हैं. और उसको अपने अच्छे तरीके से देखने हैं सारे पॉइंट्स को. हाउ डज मेडिटेशन अफेक्ट, किस तरह से मेडिटेशन अफेक्ट करती है,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रग इंड्यूस स्टेट्स कौन सी होती हैं, साइको एक्टिव ड्रग्स कौन सी हैं, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है साइको एक्टिव ड्रग्स की, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स क्या हैं, विथड्रॉल इफेक्ट और ओवरडोज इफेक्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स क्या हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कैटेगरीज क्या हैं ड्रग्स की, और इसमें से जो भी ड्रग्स हैं इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो या एक MCQs लाजमी आता है, और जिसमें उन्होंने आपसे पूछना है आइडेंटिफाई करने के लिए स्टिमुलेंट है या डिप्रेसेंट है या नार्कोटिक्स है, जिसमें अल्कोहल है तो अल्कोहल उन्होंने पूछना है कि अल्कोहल क्या है, डिप्रेसेंट है, स्टिमुलेंट है या नार्कोटिक्स है, तो इस वे में भी इसको आपने कंसीडर करना है MCQs को। हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं एंड देन व्हाई डू पीपल टेक ड्रग्स, लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। लर्निंग है, लर्निंग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ लर्निंग इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर मोटर लर्निंग है उसको एक्सप्लेन करना है, इनकी डिफरेंट आगे से डेफिनेशन जो है वो भी देखनी है आपने, डेफिनेशन पे भी MCQs आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, व्हाई डू वी लर्न, हाउ डू वी लर्न, तो हम किस तरह सीखते हैं, थ्री एक्सप्लेनेशन हैं लर्निंग की और थ्री थेरीज भी आप कह सकते हैं, सो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका, क्लासिकल है, ऑपरेंट है, कॉग्निटिव कंडीशनिंग है, लर्निंग है, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये इस पर कोई MCQs आ सकता है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, स्टिमुलस पे आ सकता है MCQs, रिस्पॉन्स पे, इन्वायरमेंट पे, वेरिएबल पे, तो ये इनका डेफिनेशन आपको शो करवाई जाएगी, यानी डेफिनेशन होगी क्वेश्चन में, आपने उसको आइडेंटिफाई करना होगा MCQs में, और कंडीशनिंग है नेक्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन कि ये एसोसिएशन बनाती है टू स्टिमुलाई में, इसका बैकग्राउंड कि वॉटसन जो है ना उनके बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, क्लासिकल कंडीशनिंग थेरेपी जो है वो कैसे काम करती है, शॉर्ट क्वेश्चन, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, इसकी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं ये MCQs पे लाजमी आता है और इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है, एंड देन पेवलेवियन क्लासिकल कंडीशनिंग को एक्सप्लेन किया है उन्होंने, जॉन बी वॉटसन हैं, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन थी उनकी, इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, और जो इन्होंने एक उनकी कोटेशन है फेमस, ये लाजमी देखनी है आपने, ये वॉटसन की है, फिर लिटिल एल्बर्ट का केस था, लर्न फियर, स्टेजेस एंड एक्सटेंशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, और इसमें से कोई स्टेज आपको MCQs भी आ सकता है, डेफिनेशन दी गई होगी, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेज है, एक्विजिशन है, एक्सटेंशन है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, और जनरलाइजेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर इनमें अगर आप कॉन्सेप्ट लिए हैं तो कोई स्नैरियो भी दिया जा सकता है आपको, और स्नैरियो को आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जनरलाइजेशन है या डिस्क्रिमिनेशन है, सो इसके एग्जांपल्स के साथ अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि कंसेप्चुअल MCQs भी आ सकते हैं इनमें, और हायर ऑर्डर कंडीशनिंग क्या होती है, एंड देन एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन एवरीडे लाइफ, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें आपके नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, फोबियाज, फियर्स, पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं आपके, एडवर्टाइजिंग है, साइकोथेरेपी है, तो सब में क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे यूज़ होती है, और कंडीशन ड्रग रिस्पॉन्स क्या है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्मोकिंग कॉफ़ी एंड टी, और ये एडिक्शन जो है वो कैफीन की, निकोटीन की क्या है, और ओवर ईटिंग का कॉन्सेप्ट, and then classical conditioning and school of psychology. So classical conditioning का topic cover हो चुका, अब operant conditioning है next chapter में, operant conditioning की definition important है, four possible consequences important हैं, इसके consequences समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें conceptual MCQs भी आ सकते हैं, scenario आपको दिया गया होगा आपने इसको identify करना होगा, जिसमें positive reinforcement है, negative punishment है, positive punishment है, negative reinforcement है, तो ये चारों इनकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इनमें से कोई एक लाजमी आती है, पेपर में बहुत बार आई है, तो इसको आपने देखना है कि समथिंग बैड कैन स्टार्ट और बी प्रेजेंटेड, इस तरह से डेफिनेशन भी आ सकती है, और जिसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉजिटिव पनिशमेंट है या पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट है, और ऊपर जो मेंशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, MCQs हैं, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो किस तरह काम करता है, लॉ ऑफ इफेक्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और एसोसिएशन बाय कंटिग्युइटी क्या होती है, यही शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चन जो हैं आपने वो भी देख लेने हैं यहाँ पर, जो अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोचेज जो हैं, थॉर्नडाइक की अप्रोच है तो उसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, और स्किनर्स का जो फ्रेडरिक स्किनर हैं उनका इंट्रोडक्शन ब्रीफ सा, और देन ये इन्वायरमेंट जो है वो इसमें कंट्रोल होता है या नहीं होता ये देखना है आपने,
और कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो क्या हैं, रीइन्फोर्समेंट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, रीइन्फोर्समेंट की टाइप्स क्या होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रीइन्फोर्सर क्या होते हैं, ई एम सी क्यूज में आ सकते हैं, पॉजिटिव रीइन्फोर्सर क्या होते हैं, नेगेटिव रीइन्फोर्सर्स क्या होते हैं, पनिशमेंट क्या है, इनकी डेफिनेशन बहुत ज़रूरी हैं, कंसेप्ट जो हैं क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्चुअल एम सी क्यूज आएंगे, स्नैरियो आपको दिया गया होगा, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस कौन से रीइन्फोर्समेंट क्या पूछ रहे हैं, या पनिशमेंट है या क्या है। स्केड्यूल्स ऑफ रीइन्फोर्समेंट ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जिसमें कंटिन्यूस है पार्शल है, इसमें भी स्नैरियो दिया गया होगा जिसमें पूछा जाएगा कि कंटिन्यूस है या फिर पार्शल है, और जिसमें पार्शल की आगे मजीद इसकी टाइप्स हैं, फिक्स रेशियो है, वेरिएबल रेशियो है, वेरिएबल इंटरवल है, फिक्स इंटरवल है, इसमें भी आपने कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करने हैं, जैसे कि फिक्स रेशियो में सैलरी जो है आफ्टर 7 डेज, और यानी एक पर्टिकुलर रेशियो सेट की गई है और फिक्स्ड है वो, और वेरिएबल रेशियो में यानी सरप्राइज बोनस आपका रेशियो जो है वो वेरिएबल है, वो वेरी करती है, वो फिक्स नहीं की गई, और इस तरह से फिक्स इंटरवल रेशियो है जिसमें से यानी इंटरवल रखा गया है उसमें, और वेरिएबल इंटरवल यानी उसमें एक इंटरवल है, एक गैप है, और वो वेरी कर रहा है, वो फिक्स नहीं है। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और कॉन्सेप्ट्स के अलावा यानी आपके इसमें से कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आ सकते हैं, और शेपिंग का जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में, बहुत बार आई है, और शेपिंग का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस इन शेपिंग क्या है, एक्विजिशन एक्सटिंक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्टेजेस कैन बी यूज फॉर, किस तरह यूज़ हो सकती हैं स्टेजेस, कहाँ पर यूज़ हो सकती हैं, शेपिंग कहाँ पर यूज़ हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये जितनी भी टर्म्स हैं या स्टेप्स हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया हुआ है। टोकन इकोनॉमी क्या है, टोकन सिस्टम को एक्सप्लेन करें, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज। कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हु इज़ ओपन कंडीशनिंग इफेक्टिव विथ, किसके साथ फायदा इफेक्टिव है, और ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है उसकी, कहाँ कहाँ पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ में, और चाइल्ड रेयरिंग में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट में किस तरह से कर सकते हैं, या फिर सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखते हैं हम किस में देखेंगे ओपन कंडीशनिंग को, डिसिप्लिन में, मेमोराइजेशन में, वोकैबुलरी में, या न्यू स्किल्स में। शेपिंग प्रोसीजर जो है वो स्पेशल है क्लासरूम सेटिंग में यूज़ करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। हाउ डू मैनी यंगस्टर्स स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एम सी क्यूज भी है ये। वेट रिडक्शन प्रोग्राम्स और एम सी क्यूज मैंने बता दिए कि जिस तरह से पॉइंट बने हैं उस तरह से वो एक्सेप्ट करके यानी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो कि इसके विदाउट हो यानी इनमें से ना हो, तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला जो है वो इसमें फैक्टर नहीं था। एंड वेट रिडक्शन प्रोग्राम क्या होते हैं, लर्निंग हेल्दी लाइफ स्टाइल। सो दिस इज लेसन नंबर 22 कॉग्निटिव अप्रोच, इसकी भी इसी तरह डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके आप उसको रीड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं जो भी हाईलाइट किए गए हैं, और ये सारे एमसीक्यूज पेपर में बहुत बार आए हैं, तो अगर आप ये सारे एमसीक्यूज कर लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं वो क्लियर कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं अगर वो कर लेते हैं, आप उसको रीड कर लेते हैं, तो देन आपके 4 CGPA जो है वो कन्फर्म आएगा, और यानी आपने जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ऑनेस्टली फॉलो किया है। देन टॉलमैन का एक कॉन्सेप्ट है, लेटेंट लर्निंग क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट समझना, कॉग्निटिव मैप क्या होते हैं, डेफिनेशन समझना इंपॉर्टेंट है, और कॉग्निटिव मैप जो है इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और फंक्शंस क्या हैं, स्पेशल मेमोरी जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्या होती है, कहाँ पर यूज़ होती है, और कॉग्निटिव मैप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम, एनिमल्स जो है वो कैसे यूज़ करते हैं इसको, कॉग्निटिव मैप जो ह्यूमंस हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, यानी आपने इसको डिफाइन करना है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है, और इसका एक कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी आता है, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहाँ पर आप यानी पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर आप इस तरह से लर्न करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मॉडलिंग है तो मॉडलिंग भी ज़रूरी है, और ये भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही है, और स्टेप्स इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कौन से स्टेप्स होते हैं, किस तरह से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बेस्ट अप्रोच है लर्निंग की, इसके हवाले से आपने बताना है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और कौन सा मॉडल जो है अच्छा मॉडल होता है जिसको फॉलो करते हैं लोग, और फिर एप्लीकेशंस क्या हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की डेली लाइफ में या रियल लाइफ में। कौन से बिहेवियर जो हैं वो लर्न किए जा सकते हैं, और दिस इज़ ऑल अबाउट दी लर्निंग थेरीज।
और कौन कौन सी थेरीज हैं, किस किसने दी हैं, और उन पर जो भी जो व्यूज़ हैं उनके क्या हैं, उनका लोकस ऑफ लर्निंग क्या है, पर्पस क्या है उनका एजुकेशन में, उनका रोल क्या है और मैनिफेस्टेशन क्या है उनकी। नेक्स्ट मेमोरी है, मेमोरी के अबाउट डेफिनेशन उसकी इम्पॉर्टेंट है और ये सब कुछ इसमें कुछ भी नहीं है खास। मेमोरी एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी हाईलाइट किए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके। मेमोरी है तो इज इक्वल टू आपने बताना है इसका प्रोसेस है इनकोडिंग रिस्टोरिंग रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन, तो ये एक जो सीक्वेंस है वो भी आता है एमसीक्यूज में। और एल स्टैंड फॉर, आई स्टैंड फॉर, आर स्टैंड फॉर, वो देखना है आपने। फंक्शंस ऑफ मेमोरी क्या है वो देखना है, इनकी अलग से डेफिनेशन भी देखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि मेमोरी के फंक्शंस क्या हैं। फिर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग है, स्टोरेज है, रिट्रीवल है, उसकी डेफिनेशंस अलग से देखनी है। मेमोरी स्टोरेज सिस्टम है, मेमोरी स्टोर हाउसेज हैं और इनकी अलग से डेफिनेशंस। सेंसरी मेमोरी, उसके अबाउट डेफिनेशन सारी और जितने हाईलाइट एमसीक्यूज हैं। वीडियो को पॉज करके आप उसको चेक करते जाएं, उसको अच्छे तरीके से रीड कर लें। ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है लेकिन आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरीज कितनी होती हैं और इनकी अलग से डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंट हैं। सेंसरी मेमोरी ट्रांसफॉर्म किस तरह हो सकती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होती है ये क्वेश्चन है। चंकिंग क्या है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि बहुत बार आई हैं पेपर में। रोल ऑफ रिहर्सल क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। इलेबोरेटिव रिहर्सल क्या होती है, दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी एग्जाम्पल्स के साथ इसको आपने प्रूफ करना है। नेमोनिक्स क्या है, नेमोनिक टेक्निक क्या है, मैथड ऑफ लोसाई क्या है, एक्रोस्टिक नेमोनिक क्या है, नेमोनिक्स क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एज अ वर्किंग मेमोरी क्या होती है, कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और इसमें जितने भी हैं बाकी हाईलाइट जो किए गए हैं वो आपके एमसीक्यूज़ हैं, और कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं आपसे। अगर आपका ये एक्रोनिम नेमोनिक्स और जो भी हैं ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट मेमोरी ऑल्सो, लॉन्ग टर्म मेमोरी है इसमें, इसमें कंपोनेंट्स हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के क्या होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और इसमें जो बताई गई हैं डेफिनेशंस वो इम्पॉर्टेंट है। डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या है, प्रोसीजरल मेमोरी क्या है, सिमेंटिक मेमोरी क्या है, इसके कॉन्सेप्ट आप लाजमी इसको करें क्लियर करें, बिकॉज इसमें से स्नैरियो आएगा और उसको आपने आइडेंटिफाई करना होगा ये कौन सी टाइप की मेमोरी है, और इसको आपने क्वेश्चन भी माइंड में रखना है कि क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है इसका। और एपिसोडिक मेमोरी है, सिमेंटिक मेमोरी, उसमें डिफरेंस क्या है, या सिनेरियो दिया गया होगा उसमें से दोनों को टाइप्स जो है मिक्स कर दी गई होंगी, दोनों दो टाइप्स दी गई होंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से जो कौन सी मेमोरी है, और एसोसिएटिव मॉड्यूल क्या है, प्राइमिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, और नेक्स्ट टाइप है लॉन्ग टर्म मेमोरी की, दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसमें एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट मेमोरी है, और इनमें डिफरेंस क्या है, अनकॉन्शियस वाली कौन सी मेमोरी है, कॉन्शियस वाली कौन सी है, ये भी चेक करना है। सिंगल प्रोसेस अप्रोच क्या है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी क्या है, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। शैलो लेवल मेमोरी क्या होता है, डीपेस्ट लेवल मेमोरी क्या है, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। फ्लैश बल्ब मेमोरीज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें स्नैपशॉट क्लियर विविड होता है हमारे पास, वो है फ्लैश बल्ब मेमोरीज हमारी, और इसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपर में आ सकते हैं। टिप ऑफ टंग फिनोमिना, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ये कॉजेज़ क्या हैं टिप ऑफ टंग फिनोमिनन के, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज क्या होती हैं, स्कीमास क्या हैं, फॉरगेटिंग क्या है, और फॉरगेटिंग कब होती है, कौन से फैक्टर्स हैं, और कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। एंड देन थियरीज हैं फॉरगेटिंग की, ये इंपॉर्टेंट है, एज आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में उनके नेम्स मेंशन करने के लिए कहा जा सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन में किसी एक थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरह से लॉन्ग या शॉर्ट दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं, और इनकी डेफिनेशंस हो सकती हैं आपके एमसीक्यूज़ में, ये कौन सी टाइप की फॉरगेटिंग है या थियरी ऑफ फॉरगेटिंग है। रिट्रीवल और जो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। रिप्रेशन क्या है, इम्प्रूविंग मेमोरी एंड रिकॉल, किस तरह से हम मेमोरी और रिकॉल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इनकोडिंग स्पेसिफिसिटी फिनोमिनन, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज बहुत बार आया है इसका, आपसे डेफिनेशन जो है वो आपको दी गई होगी और आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। मेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, टेकिंग नोट्स, अदर स्ट्रेटजीज फॉर बेटर मेमोरी, तो दूसरी स्ट्रेटजीज क्या है मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, इसके अलग से कॉन्सेप्ट हैं।
SQ3R, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये 3 R's हैं उनको डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा, या फिर इनमें से MCQs आ सकते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी का चैप्टर, लेसन 25 है। मेमोरी डिसऑर्डर्स हैं इसमें, डिसफंक्शंस हैं, और ये जितने भी हाईलाइटेड हैं इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनमें से MCQs लाजमी आता है। एमनीशिया है, एमनीशिया का आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डिमेंशिया का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अल्जाइमर डिजीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और हंटिंगटन डिजीज़ क्या होती है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एंड कोरसकॉफ सिंड्रोम, सो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी एक डिसऑर्डर जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, और इनको आपने अच्छे तरीके से देखना है, और इनमें डिफरेंस क्या है वो चेक करना है। और जो हाईलाइटेड हैं ये सब MCQs हैं, जैसे कि ALS है, अकर्स मोस्टली इन एडल्ट्स एंड इज कॉमन इन मैन देन वुमेन, तो इस तरह से MCQs आएगा कि कौन सा जो डिसऑर्डर है वो मोर कॉमन है इन मैन देन वुमेन, और मोस्टली अकर होता है वो एडल्ट्स की एज में। सो ये आपने उसको फिर इस तरह आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये MCQs इसमें से सारे ही जो जितने भी हाईलाइटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये सब, इनमें से कोई एक या दो MCQs आपको आ सकता है। सो जैसे कि MCQs शफल होते हैं, तो हर चैप्टर में ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को एक ही MCQs आएगा। अगर एक स्टूडेंट को एमनीशिया के बारे में आया है, तो दूसरे स्टूडेंट को डिमेंशिया के बारे में आएगा, तो एक चैप्टर में से भी MCQs शफल होके आते हैं, हर स्टूडेंट के पास डिफरेंट MCQs होता है, तो ये सारे ही आपने देखने हैं, बिकॉज आपको पता नहीं है कि आपको कोई सा भी MCQs आ सकता है उस चैप्टर में से। एक चैप्टर में से एक या दो MCQs लाजमी आते हैं, तो इस तरह से सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से देखा करें, और उनमें से कोई सा भी MCQs आ सकता है, कंसेप्चुअल भी हो सकता है, या फिर मे बी डेफिनेशन हो सकती है कोई, उसको आपने आइडेंटिफाई करना होगा, कोई सिनेरियो हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। और देन यहाँ पर मोटिव्स हैं, मोटिवेशन के बारे में डेफिनेशन है, मोटिव क्या होता है, और प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिव्स क्या होते हैं, इनके दूसरे नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मोटिव्स कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और देन प्राइमरी जो हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें से आपने जो हाईलाइटेड हैं ये भी देखने हैं MCQs। हंगर है तो वो क्या है, और किस तरह से हमारी ब्रेन को जो है वो ब्रेन इसमें रोल प्ले कर रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं ईटिंग बिहेवियर के, और वेट सेट पॉइंट क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मैनेजिंग एंड रिड्यूसिंग वेट, किस तरह से हम वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी सारे जो हाईलाइट हैं, वेट सेट पॉइंट, मेटाबॉलिज्म, ये सारे MCQs भी हैं। एंड देन थर्स्ट क्या होता है, और उसमें से ये मोर देन 75% हमारी बॉडी वेट जो है वो इज़ अबाउट प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो ये इंपॉर्टेंट MCQs अगेन। फटीक एंड स्लीप क्या है, और फटीक जो है वो किस तरह से साइकोलॉजिकल है, फिजिकल भी है और साइकोलॉजिकल भी है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। पेन क्या होती है, एक्सक्रीशन के बारे में है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये जो आप देखें इसको वीडियो स्टॉप करके इसको रीड करें अच्छे तरीके से। एयर है, वार्मथ एंड कोल्ड, तो ये सारे प्राइमरी मोटिव्स हैं हमारे, जो बेसिक हैं, जो बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं। एंड देन सर्वो कंट्रोल क्या है फॉर वार्मथ एंड कोल्ड, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन सेकेंडरी मोटिव्स हैं वो कौन से होते हैं, इनके आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं, बिकॉज कंसेप्चुअल MCQs आएंगे इनमें से। अचीवमेंट है, TAT क्या होता है, क्यूरोसिटी क्या है, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर, वर्क, और थेरीज हैं जो एक्सप्लेनेशन हैं मोटिवेशन की थेरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी थेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। इसके अलावा जो हाईलाइटेड हैं इनमें से MCQs हैं, शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं इंस्टिंक्ट अप्रोचेस की, ड्राइव क्या होता है, जितने भी इनके टर्म्स वगैरह हैं वो भी अच्छे तरीके से देखने हैं। होमोस्टेसिस क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी ड्राइव्स क्या हैं, क्रिटिसिज्म है, अराउजल थ्योरी है वो क्या होती है, इंसेंटिव थ्योरी क्या होती है, और इनका क्रिटिसिज्म भी देखना है आपने कि कौन सा क्रिटिसिज्म हुआ था, किस थ्योरी पे हुआ था। कॉग्निटिव थ्योरी, मोटिवेशन है, एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन आ सकती है, वैल्यू की डेफिनेशन आ सकती है इनमें से। और टू टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस हैं, ये कौन से हैं ये आप क्वेश्चन में आ सकता है। इंट्रेंसिंग एंड एक्सट्रेंसिंग मोटिवेशन जो है ये भी ज़रूरी है, और इसको आपने देख लेना है, यानी इसकी डेफिनेशन देखनी है अच्छे तरीके से। एंड देन मास्लो थ्योरी है, हायरार्की, हायरार्कीकल थ्योरी जो है, हायरार्की ऑफ नीड्स जो हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इस तरह से कि कौन सी नीड कहाँ पर है, यानी फर्स्ट जो है वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं,
थर्ड लव एंड बिलोंगिंगनेस है, इस तरह से आपने इसको हायरार्की को याद रखना है ताकि आप से जो भी स्टेज पूछी जाए वो आप बता सकें। और एमसीक्यूज आते हैं इसमें से, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, कैटेगरीज क्या है उसकी, तो मेटा नीड्स, एफिशिएंसी नीड्स, जो कैटेगरीज हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें इंटरेक्शन एंड नीड्स ऑफ बिहेवियर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि अगर हमारी कोई नीड पूरी नहीं होती तो देन कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे उसके, या फिर पैथोलॉजी क्या एसोसिएटेड है उसके साथ, कौन सा डिसऑर्डर एसोसिएटेड है, क्रिटिसिज्म क्या था इस थेरी पे, देन इमोशंस हैं, इमोशंस जो है वो इसका इम्पोर्टेंट ये एमसीक्यूज है। एंड देन जो एबीसी कंपोनेंट है इसका वो चेक करना है आपने, इमोशनल एक्सपीरियंस का, बिहेवियर कंपोनेंट है जिसमें कॉग्निटिव कंपोनेंट है और अफेक्ट का कंपोनेंट होता है। सो मैकडूगल ने जो डिवाइड किया था इमोशंस को थ्री टाइप्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज, एंड देन फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं उनके बारे में एमसीक्यूज हैं, इमोशंस एंड कॉग्निशंस हैं, रोल ऑफ इमोशंस इन एवरीडे लाइफ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन इमोशंस क्या है, रेंज ऑफ इमोशंस क्या है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एमसीक्यूज में भी, इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो आएंगे। जे बी वॉटसन हैं तो उन्होंने थ्री मेन इमोशंस का बताया था, उसके बारे में ये लाजमी याद रखना है आपने, क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में भी आ सकता है, और इसमें जो क्वेश्चन आता है वो जस्ट आपको नेम मेंशन करने के लिए कहते हैं कि जस्ट आपने थ्री मेन इमोशंस के नाम बताने हैं, उनका बताना है, तो आपने जस्ट नेम ही लिखने होते हैं और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी और कुछ भी नहीं करना, टू द पॉइंट आपने आंसर करना है, तो आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे, और लेंथ पे आपने फोकस नहीं करना, जस्ट आपने क्वालिटी पे फोकस करना है। अगर आप टू द पॉइंट आंसर कर रहे हैं, रेलिवेंट आंसर कर रहे हैं, देन आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको थ्री मार्क्स के क्वेश्चन में थ्री लाइन्स या फाइव लाइन्स आपको लिखनी है। सो नेक्स्ट है रॉबर्ट प्लूचिक जो है उनका कॉन्सेप्ट और जो इमोशन के हवाले से उनकी थेरी थी, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं इमोशंस के, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से आते हैं, रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इन इमोशंस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और उसके आगे से टाइप्स क्या हैं, सिंपथेटिक पैरासिंपथेटिक क्या है, सिस्टम क्या है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यूज भी हैं, एरियाज फॉर इमोशंस इन द ब्रेन, कौन कौन से एरियाज हैं हमारे ब्रेन में जो रिस्पॉन्सिबल हैं इमोशंस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज, राइट हेमिस्फीयर के बारे में, लेफ्ट हेमिस्फीयर के बारे में, वो क्या कंट्रोल करते हैं, किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, नेगेटिव इमोशंस कहाँ पर होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस कहाँ पर होते हैं, इनमें से लाजमी क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। एंड देन इमोशंस के बारे में ही है ये चैप्टर भी, जिसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन से होते हैं, तो रेस्पिरेटरी चेंजेस हैं, प्यूपलोमेट्रिक्स हैं, यहाँ पर जो डार्विन है उन्होंने फर्स्ट ये आइडेंटिफाई किया था फिनोमिनन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और बाकी भी जो हाइलाइटेड हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, और ये ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है, ग्लैंडुलर रिस्पॉन्सेज क्या हैं, कुछ पॉइंट्स मिस हो सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी है, आपने जस्ट वीडियो को स्टॉप करके उसको देखना है, रीड करना है खुद से भी, क्योंकि हाईलाइट कर दिए गए हैं सारे एमसीक्यूज, हाईलाइट कर दिए गए हैं क्वेश्चंस, आपको अब आइडिया हो क्या होगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ। और अदर कॉमन बॉडी के चेंजेस क्या हैं, थेरीज ऑफ इमोशंस क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले बताया था जितनी भी थेरीज हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, थेरीज को क्लियर करना, उसमें जो भी एमसीक्यूज हैं उसको चेक कर लें और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, आपने कोई सी भी थेरी, कैनन बार की थेरी आ सकती है आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि हर चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं, शफल होके आते हैं क्वेश्चन, हर स्टूडेंट को डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं और डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं, और जितने भी हाइलाइटेड हैं ये सारे ही एमसीक्यूज आ चुके हैं, क्विज वगैरह में आ चुके हैं, पास्ट फाइल्स में आ चुके हैं, क्वेश्चन भी आ चुके हैं पास्ट पेपर्स में, पास्ट पेपर्स भी चेक कर सकते हैं आपको, तो सिमिलर जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इस वीडियो में वही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे जो आपको वैसे ही बताया गया है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे हो सकते हैं, और इस तरह हर चैप्टर में से कोई एमसीक्यूज या क्वेश्चंस शफल होके हर स्टूडेंट को आते हैं, और चांसेस ये भी होते हैं कि आपका यानी पेपर में जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो किसी और स्टूडेंट को भी आ सकता है, तो ये टोटली लक पे डिपेंड करता है, और अदरवाइज आपने हर चैप्टर के क्वेश्चंस एमसीक्यूज ही माइंड में रखनी है कि कौन से आ सकते हैं, प्रिपरेशन जो है इस तरह से आपने करनी है, हर कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है, शॉर्ट लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं आप,
इसके अदरवाइज आप उसको गूगल कर सकते हैं, जो भी थेरीज होती हैं स्पेसिफिकली उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कुछ जो कि आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आपने पेपर की प्रिपरेशन जो है वो करनी है। कॉग्निशन है, थिंकिंग है। कॉग्निशन क्या है, उसकी डेफिनेशन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, थिंकिंग क्या है, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है इसकी। थिंकिंग हम कब करते हैं और ये क्यों करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन। और जितने भी हाईलाइट हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये पेपर में आए हुए हैं। फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या हैं थिंकिंग के, मेंटल इमेजेस क्या होते हैं, मेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कैटेगराइजेशन क्या होती है, एंड देन कॉन्सेप्ट्स की टाइप्स कितनी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, नेचुरल कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोटोटाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रोटोटाइप्स क्या होता है और इसकी डेफिनेशन, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं। रीजनिंग क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज, जिसमें इसकी दो टाइप है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, वो भी इंपॉर्टेंट है। और उसमें डिफरेंस क्या है इसके हवाले से, जैसे कि ऑल वुमेन आर टॉकेटिव, तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, और एना इज़ अ वुमेन तो देयर फॉर एना इज टॉकेटिव, यहाँ पर ये किस चीज़ के शो कर रही है, जिस इज सिलोजिज्म। सिलोजिज्म क्या है, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इस चैप्टर में से जितने भी इंडक्टिव रीजनिंग है, थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, मेंटल शॉर्टकट्स हैं, एल्गोरिदम क्या है, ह्यूरिस्टिक क्या है, ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। और एमसीक्यूज भी आया हुआ है, एल्गोरिदम की डेफिनेशन आई हुई है, ह्यूरिस्टिक की डेफिनेशन आई हुई है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या है, इल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या है, दीज आर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड देन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, टिपिकली थ्री टाइप्स हैं उसकी, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके स्टेप्स क्या हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, जिसमें जैसे इनसाइट है, इसकी डेफिनेशन दी गई होगी, आपने इसको रिकग्नाइज करना है। अच्छा, इम्पेडिमेंट्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फंक्शनल फिक्सनेस है, मेंटल सेट है, दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लिए भी, एमसीक्यूज के लिए भी। क्रिएटिविटी क्या होती है और स्टेजेस क्या हैं क्रिएटिव थिंकिंग के, और इन स्टेजेस में से कोई एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ये हाईलाइट कर दिए गए हैं। इनक्यूबेशन क्या होती है, इल्यूमिनेशन क्या है, फैक्टर्स कौन से हैं क्रिएटिविटी के, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इसके जो क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो गोइंग बियॉन्ड, इसको मतलब कहते हैं दूसरा नेम उसका, क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो, इसके अलग से नेम्स हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज में। लेटरल वर्सेस वर्टिकल थिंकिंग क्या है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज भी है। कॉन्सेप्ट चैलेंजिंग क्या है और कॉग्निटिव कम्प्लेक्सिटी क्या है। देन पर्सनैलिटी का चैप्टर है, जिसमें से पर्सनैलिटी के बारे में आपने बताना है, डेफिनेशन पर्सनैलिटी की, उसकी थियोरीज देखनी है आपने, साइकोनॉमिक अप्रोच क्या कहती है उसके बारे में, किस तरह से वो पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है इस हवाले से, और ये सब कुछ साइकोनॉमिक अप्रोच के बारे में आप देख चुके हैं पहले भी, इसमें सारे जो टर्म्स वगैरह यूज़ हुई हैं वो अच्छे तरीके से देखनी है फिर, और सारे क्वेश्चन भी देखने हैं आपने। फिर ऑपरेंट एडिबल जो इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स है उसको देखना है, डिफेंस मेकनिज़म जो यूज़ हुए हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी, और आपकी डेफिनेशंस में इंपॉर्टेंट है। स्नैरियो दिया गया होगा एमसीक्यूज में, और फ्राइडियन साइकोनॉमिक थ्योरी पे क्रिटिसिज्म कौन सा हुआ है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर साइकोनॉटिक थ्योरी न्यू फ्राइडियन का कॉन्सेप्ट है, और इनमें से कौन कौन से हैं, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। न्यू फ्राइडियन का कॉन्सेप्ट क्या था, कार्ल गुस्ताव युग जो है वो किस चीज़ के फाउंडर थे, एनालिटिकल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के, उनका डिसएग्रीमेंट कैसे हुआ था फ्रॉयड के साथ, मेजर गोल ऑफ लाइफ यानी किस चीज़ पर हुआ था डिसएग्रीमेंट, तो वो क्वेश्चन है। मेजर गोल ऑफ लाइफ क्या है, उनकी जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। आर्किटाइप्स क्या है,
प्राइमरी ह्यूमन मोटिवेशन क्या है, और ये नेक्स्ट जो है एडलर की अप्रोच है जिसमें इन्फेरिटी कम्प्लेक्स और स्पेरिटी कम्प्लेक्स और बर्थ ऑर्डर के बारे में बात की है उन्होंने। कैन हॉर्नी का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं और इसको जस्ट आपने रिवाइज करना है। और प्रीवियस लेक्चर्स में आपने मिड टर्म में इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लिया था। अब एरिक्सन जो है उसकी 8 स्टेजेस हैं और वो सोशल इन्वायरमेंट पर बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल मेच्योरेशन के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, क्राइसिस क्या है उनकी टर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है देखना। ट्रेड अप्रोचेस कौन सी होती हैं, ट्रेड्स की डेफिनेशन क्या है, एयरपोर्ट्स की ट्रेड थ्योरी क्या है, और ट्रेड्स कौन कौन सी होती हैं। तो कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी ट्रेड्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट पर्सन है और लॉन्ग पर्सन भी हो सकता है, उनमें से एक को एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जा सकता है कि कोई सी भी एक्सप्लेन कर दें। तो इनमें डिफरेंस क्या है ये भी आपने देखना है। सेकेंडरी ट्रेड्स क्या हैं, फैक्टर एनालिसिस जो है इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी। सरफेस ट्रेड जिसमें आप सरफेस ट्रेड्स देखते हैं, सोर्स ट्रेड्स देखते हैं, और इसको उन्होंने मज़ीद क्लैरिफाई किया है। देन 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसने दिए थे, कैटल ने, और उनके जो आपने देखने हैं कि हायर स्कोर पे लोअर स्कोर पे कौन सी हैं। आइजेनिक की डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी जिसमें इंट्रोवर्ट की बात की उन्होंने, एक्सट्रोवर्ट की, न्यूरोटिसिज्म है, स्टेबिलिटी है, इनमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सारे, उनमें से कोई कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। स्पोज से आपसे पूछा जाए कि आमना इज क्वाइट पैसिव एंड केयरफुल, सो ये कौन सी कैटेगरी है, तो इंट्रोवर्ट है, शी इज़ इंट्रोवर्ट। बिग फाइव की देखनी है आपने, स्ट्रेट थ्योरी, और इसके फैक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। लर्निंग अप्रोचेज क्या है पर्सनैलिटी में, पर्सनैलिटी की डेफिनेशन और लर्निंग अप्रोचेज कौन कौन से हैं। एल्बर्ट बेंडुरा है नेक्स्ट, उनके बारे में है, सेल्फ एफिकेसी, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है पर्सनैलिटी की, और कार्ल रॉजर्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट किसने दिया था, या अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकार्ड किसने इसमें बात की है और वो क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, बायोलॉजिकल अप्रोचेस चेक करें तो उसकी इसमें टेम्परामेंट देखते हैं हम, और ये सब इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं हाईलाइटेड। ट्विन स्टडीज जो सपोर्ट करी हैं इसको, और रिजल्ट्स हैं कौन सी आए थे। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी क्या है और कैसे असेस कर सकते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू, बिहेवियरल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन से हैं, सेल्फ रिपोर्ट मेजर क्या है, MMPI कौन सा टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, और इसमें हम क्या चीज़ें देखते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं, उनकी टेक्निक्स क्या हैं, प्रोसीजर क्या है रोशाश का, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट क्या है, TAT का, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का। इंटेलिजेंस की थेरीज नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है, उसकी डेफिनेशन आपने देखनी है, इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये आपके। थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, कोई भी थेरी आ सकती है। फ्रांसिस गॉल्टन और कजन, जो चार्ल्स डार्विन का कजन था, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, MCQs हैं। यूजेनिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसमें ये इंपॉर्टेंट है, जेम्स मैकिन कैटल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। मेंटल टेस्ट की टर्म जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। स्पीयरमैन की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, और फैक्टर एनालिसिस जो है वो किसने डिवेल्प किया था। जी फैक्टर और एस फैक्टर क्या है, जी स्टैंड्स फॉर, और जी फैक्टर जो है वो क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, और एस क्या है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक का कॉन्सेप्ट है सोशल इंटेलिजेंस के हवाले से, नेक्स्ट है दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें, 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ जो हैं वो कौन सी हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कौन सी हैं, ये थर्स्टोन का है। और आरबी कैटल ने जो क्रिस्टलिन और फ्लूइड इंटेलिजेंस पे बात की थी। गिलफोर्ड की थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है ये, इसमें ऑपरेशंस, कॉन्टेंट्स, प्रोडक्ट्स क्या हैं और इनके आगे जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है MCQs में। इंटेलिजेंस जो है इसकी थेरीज हैं फर्दर गार्डनर्स की थेरी है, और नेक्स्ट इन्होंने फर्दर जो है वो किस चीज़ पे बात की थी,
अदर एट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने दी हैं। देन स्टर्नबर्ग की थेरी है जिसमें उन्होंने थ्री टाइप्स की डायमेंशन जो है वो थेरी दी है, और कौन सी है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। हायरार्किकल थेरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, वो किसने दी थी, इनके सबके नेम भी मैंशन याद रखते हैं आपने जो कि एमसीक्यूज में आ सकते हैं। फिर हिस्ट्री क्या है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की, इसमें फर्स्ट जो टेस्ट डेवलप हुआ था कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है, बहुत बार आया ये। और 1905 में क्या हुआ था, टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है बिने एंड साइमन का। अदर जो सैंपल आइटम्स हैं साइमन बिने टेस्ट की और उनके बारे में है, और इनमें से कोई भी आ सकता है एमसीक्यूज आपको, और जिसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ईयर में ये जो है वो डिवेल्प होंगी चीज़ें। अच्छा लेटर रिवीजन्स क्या हैं स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट की, और स्टैनफोर्ड रिवीजन है कुछ बिने साइमन जो टेस्ट हैं उसकी। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी आईक्यू क्या है, इसका फार्मूला क्या है, और इनके ये इंपॉर्टेंट जो है ये टेबल में मेंशन है, अगर स्कोर जो है वो इतना होगा तो वो एवरेज है या सुपीरियर या गिफ्टेड, ये आपने बताना है। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। आईक्यू टेस्ट में यानी टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वैलिड रिलायबल स्टैंडर्डाइज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। देन दूसरे स्टेट्स जो टेस्ट हैं वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, और इसमें कितने जो स्केल हैं, वर्बल भी है परफॉर्मेंस भी है, और वर्बल लेवल पे कौन से हैं पॉइंट्स, परफॉर्मेंस लेवल पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसमें से, क्वेश्चन भी ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन कब करते हैं हम बेस एंड विस की, और ये ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है या फिर इंडिविजुअल है, और कल्चरल बायस एंड इंटेलिजेंस टेस्ट कौन से हैं, मॉरल इंटेलिजेंस क्या होती है किसने दी थी ये, और सोशल इंटेलिजेंस किसने दी है, और सोशल इंटेलिजेंस को हम किस तरह से डिनोट करते हैं एसक्यू से, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सारे इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, इसमें डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। साइकोपैथोलॉजी क्या है, हिस्ट्री क्या है उसकी, और ट्री फाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, और इसमें से जितने भी हाइलाइटेड हैं एग्जॉर्सिज्म है, और वो कब हुआ था, और ग्रीक जो है वो किस चीज़ पे बिलीव करते थे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और इसमें से कंट्री यानी आपसे वो पूछी जा सकती है, जैसे इजिप्शियन है उन्होंने क्या किया था, और जो एग्जॉर्सिज्म है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया है, ट्रिफनिंग का कॉन्सेप्ट किसने यूज़ किया है पहले, तो गोल्डन एज ग्रीस की कौन सी थी, हिप्पोक्रेट्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो इंपॉर्टेंट है, और उनके जो फोर ह्यूमर्स हैं टेम्परमेंट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ में भी, सोक्रेट्स की कंट्रीब्यूशन, प्लेटो, अरिस्टोटल एंड देन गैलन, मिडल एजेस में क्या क्या हुआ था, इस्लामिक वर्ल्ड में क्या हुआ था, यूरोप में क्या क्या हुआ था, और डेवलपमेंट 17th-18th सेंचुरी में क्या है, ये सब एक बार आपने रीड कर लेना है जस्ट। और फ्रांस फेडरिक एंटन मेसमर की कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट दिया था, और फिलिप पाइनल इसकी कंट्रीब्यूशन, इनकी कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, सब जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन लाजमी चेक करनी है, ये कंट्रीब्यूशन से ही आपसे पूछा जा सकता है। जैसे क्रैपलिन है, उन्होंने कैसे कौन सी जो है वो कंट्रीब्यूशन की है, और क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसीज सबसे पहले किसने दिया था, क्रैपलिन ने दिया था, तो ये एमसीक्यूज इसमें इंपॉर्टेंट है, सबकी कंट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से देखनी है आपने। एबनॉर्मेलिटी को डिफाइन करें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन क्या है इसकी, डेविएशन क्या है, और ये सारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी के, पर्सपेक्टिव क्या है उन एबनॉर्मेलिटी का, मेडिकल पर्सपेक्टिव इसमें से देखें हम, साइकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखें, बिहेवियर पर्सपेक्टिव, तो सबके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव हैं, ह्यूमनिस्टिक है, इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसीज या डिसऑर्डर्स वगैरह, तो उसकी क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से करते हैं, एक ICD है हमारे पास, एक DSM है, उनमें डिफरेंस क्या है, और ये स्टैंड्स फॉर वर्ड, इनकी एब्रीविएशन फुल क्या है, और कब पब्लिश हुए थे, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, या DSM-2 कब आया, 3 कब आया, उसकी रिवाइज जो एडिशन है कब आया, या 4 और 5 कब आया, इंपॉर्टेंट डेट्स है ये क्वेश्चन MCQs में आते हैं। मल्टी एक्सियल सिस्टम जो है वो क्या है, एक्सेस कितने हैं, कौन कौन से हैं, और इसको डिफाइन करना है, इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सेस को डिफाइन करना है आपने। मेजर कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर्स हैं तो वो कौन सी हैं, अब डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स हैं इनकी डेफिनेशंस देखनी है आपने सबकी, इनके सिम्टम्स अच्छे तरीके से देखने हैं, बिकॉज इस पे स्नैरियो भी आ सकते हैं क्वेश्चन में, कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो उसको कौन सा डिसऑर्डर है, और इस तरह से फिर आपने उसको आइडेंटिफाई करके
आपने देखना है, उसको बताना है कॉमन कॉजेज़ क्या हैं। और ये इंपॉर्टेंट आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी में आ जाता है। और हर जो डिसऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसके सिम्टम्स आपने अच्छे तरीके से देखने हैं और उसकी जो भी कॉजेज़ हैं वो भी देखने हैं अच्छे तरीके से, और ट्रीटमेंट जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। और पैनिक डिसऑर्डर के बारे में या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उसको एक्सप्लेन करें, सिम्टम्स बताएं उसके, ये अलग से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर कॉजेज आपसे पूछे जा सकते हैं। फोबियाज हैं तो फोबियाज क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज क्या हैं फोबिया के। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, नेम्स हैं फोबियाज के, और वो कौन सा फियर है ये भी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज इनमें से एक या दो लाजमी आते हैं एमसीक्यूज, और हर बच्चे को हर स्टूडेंट को डिफरेंट, ये नहीं है एक एमसीक्यूज इसमें से लाजमी आता है। फिर ट्रीटमेंट्स हैं फोबियाज के, वो कौन कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके सिम्टम्स कॉजेज, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या है, सिम्टम्स सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की टाइप क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस उसके सिम्टम्स, और इसके स्नैरियो भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, फिर कॉजेज हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या होता है, उसके सिम्टम्स कॉजेज, उसके ट्रीटमेंट क्या है और टाइप्स क्या हैं उसकी, आगे से फ्यूज है या एमनीशिया के साथ है। फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, मूड डिसऑर्डर्स क्या हैं, इनमें से थ्री जो है वो थ्री इसके डिसऑर्डर हैं, डिप्रेशन है, मेनिया है, बाइपोलर। तो इसको अच्छे तरीके से देखना है कि मूड डिसऑर्डर्स में कितनी टाइप्स हैं इसकी, मेजर डिप्रेशन की सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज क्या हैं ट्रीटमेंट, और मेनिया के कॉजेज, शिजोफ्रेनिया उसके सिम्टम्स, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, ओवरऑल जो डिसऑर्डर है वो क्या है, विथड्रॉल क्या है, टाइप्स ऑफ शिजोफ्रेनिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का। साइकोथेरेपी क्या होती है, इसकी वैरायटी ऑफ साइकोथेरेपी, और इसमें से अलग जितनी भी कंट्रीब्यूशन है, थेरापीटिक ओरिएंटेशन है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइकाइट्रिस्ट क्या हैं, साइकोएनालिस्ट क्या हैं, इनमें डिफरेंट जो है ना कॉन्सेप्ट जो आपने क्लियर करने हैं, और वो आपसे सिनेरियो देके पूछेंगे कि ये साइकोएनालिस्ट का काम है या साइकोलॉजिस्ट का काम है या साइकाइट्रिस्ट का काम है। सो यहाँ पर डिफरेंशिएट आपने करना होगा, तो आप अच्छे तरीके से वो देख लें साइकोएनालिसिस क्या होती है और किसने थेरी दी थी, फ्री एसोसिएशन क्या है, इसके डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, ड्रीम कंटेंट क्या है, एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ड्रीम एनालिसिस क्या है, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच क्या है ट्रीटमेंट पे, उसका मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग है बिहेवियर थेरेपी में, एंड देन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, सिस्टमैटिक सेंसिटाइजेशन है, अवर्सिव थेरेपी है, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, इंक्लूसिव थेरेपी है, एंड देन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है जिसमें टोकन इकोनॉमी है हमारे पास थेरेपीज हैं, कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग है, और इसमें यूजफुलनेस क्या है बिहेवियर थेरेपी का, बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है, स्टेप्स इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन ये भी हम चेक कर चुके हैं, अल्टरिंग द बिलीफ सिस्टम दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कॉग्निटिव थेरेपी क्या है डिप्रेशन की, और REBT जो है दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, किसने दी थी, अल्बर्ट एलिस ने, और ये इन्होंने क्या कहा था, किस पर कहा था कि रैशनल बिलीफ्स को आपने एक्सेप्टेबल वे में उसको करना है, उसको अल्टर करना है, रैशनल में कन्वर्ट करना है। एंड देन साइकोथेरेपी का चैप्टर है, इसमें सेम वही चीज़ें हैं, बिहेवियर शेपिंग और स्टेप्स क्या हैं इसके, यूजफुलनेस ऑफ बिहेवियर थेरेपी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी रिपीट हो रही हैं। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है नेक्स्ट, और नाव पर हेयर एंड नाव पर फोकस करती है, रोजर्स कॉन्सेप्ट है इसमें, रोजर्स की अप्रोच है, दूसरी अप्रोचेस हैं एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है, गेस्ट्रॉल थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है, और फैमिली थेरेपी है, और बायोमेडिकल थेरेपीज कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, MCQs भी हैं। नेक्स्ट है पॉपुलर एरियाज क्या हैं साइकोलॉजी में, मेजर फील्ड्स क्या हैं साइकोलॉजी की, सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन, ABC मॉडल क्या है, एजेंट्स क्या हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन के, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आया हुआ है, पर्सुएशन की डेफिनेशन क्या है, या फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर रहे हैं जो एटीट्यूड चेंज को, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैसेज सोर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैसेज क्या है,
और इस टारगेट की करेक्टरिस्टिक क्या हैं और टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कौन सी हैं, सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग क्या है और पेरिफेरल क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, किस तरह से आप डिसोनेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, और सोशल कॉग्निशन क्या है, स्कीमास क्या है, इंप्रेशन फॉर्मेशन क्या होता है, सेंट्रल ट्रेट्स क्या हैं, एट्रीब्यूशनल प्रोसेस या उसकी थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट है, सिचुएशनल कॉजेज, डिस्पोजिशनल कॉजेज, बायसेस क्या है, ये फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर की जो बायसेस हैं एट्रीब्यूशन के, ये इंपॉर्टेंट हैं। इनमें कंसेप्चुअल भी आए हुए हैं, क्वेश्चन आएगा आपको जिसमें से उन्होंने एक सिनेरियो दिया होगा और आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। हालो इफेक्ट क्या है, इसमें सोशल इन्फ्लुएंस, ओबीडियंस, कन्फर्मिटी, कंप्लायंस क्या है, और इसकी जितनी भी टेक्निक्स हैं जो यूज़ होती हैं, जैसे फुट इन द डोर, डोर इन द फेस, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं कंप्लायंस में, प्रेजिडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या है, स्टीरियोटाइप्स क्या है, उनकी डेफिनेशन, इन ग्रुप आउट ग्रुप की डेफिनेशन, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। नाउ हेल्थ साइकोलॉजी है तो इसके बारे में डेफिनेशन इसकी, और हेल्थ साइकोलॉजी किस पर फोकस करती है, और अकॉर्डिंग टू ब्रैनन एंड फीस्ट उनकी डेफिनेशन क्या है, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं और उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग हेल्थ, हेल्थ साइकोलॉजी कब इमर्ज हुई थी, और यहाँ पर जो डिफरेंट मॉडल हैं, हेल्थ बिलीफ मॉडल है, प्रोडक्शन मोटिवेशन जो थेरीज हैं वो चेक करनी है आपने, हेल्थ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर चेंज, तो ये आप लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे वो कौन से हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, स्ट्रेस, हेल्थ एंड इलनेस का आपस में का कनेक्शन है, स्ट्रेस की डेफिनेशन, स्ट्रेसर की डेफिनेशन, अपलिफ्ट क्या होते हैं, डेली हैसल्स क्या हैं, नेचर ऑफ स्ट्रेसेस क्या हैं, थ्री टाइप्स हैं, थ्री जनरल क्लासेस हैं इसकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, इम्पैक्ट क्या है स्ट्रेस का, किस तरह से हमें इम्पैक्ट करता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन से होते हैं, हार्मफुल बिहेवियर कौन से हैं, इनडायरेक्ट हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर कौन से हैं, स्ट्रेस एंड इलनेस क्या है, कैंसर एंड स्ट्रेस का क्या लिंक है, स्मोकिंग का क्या लिंक है उसके साथ, स्ट्रेस और रिकवरी जो डिसीज़ें होती हैं वो क्या है, मेजरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को कैसे मेजर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं स्ट्रेस को, इसमें जो मॉडल है एडेप्टेशन सिंड्रोम मॉडल ये इंपॉर्टेंट है, और कोपिंग विद स्ट्रेस किस तरह से उसको हैंडल करना है, मैनेज करना है, उसकी स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट हैं, एंड देन प्रॉब्लम फोकस और इमोशन फोकस डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है और इसकी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, और इस तरह MCQs भी कि हाउ बेस्ट टू फिट द राइट पर्सन टू अ गिवन जॉब, तो किस तरह से हम उसको बेस्ट फिट जो है किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हाउ बेस्ट फिट जॉब टू द पर्सन, किस तरह से जो है वो बेस्ट फिट जॉब होगी एक इंसान के लिए, और किस तरह से हम कर सकते हैं चूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से सारी चीज़ें, जॉब एनालिसिस क्या होता है, इसमें स्टेप्स क्या हैं, सिलेक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं, हार्ड क्राइटेरिया, सॉफ्ट क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी और MCQs में भी, और ये आपसे कंसेप्चुअल भी पूछा जा सकता है कि कोई भी सिनेरियो दिया गया होगा और आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। और ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को आप किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं, वर्कर्स की मोटिवेशन को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं, और नीड थेरीज क्या हैं, एक्सपेक्टेंसी थेरी, इक्वेटी थेरी क्या है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, री इन्फोर्समेंट थेरी क्या है वर्क मोटिवेशन में, फिटिंग द जॉब टू द राइट पर्सन, जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है, फैक्टर्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन क्या हैं, कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट जॉब सेटिस्फेक्शन वो क्या हैं, फिर नेचर क्या है उसकी और टाइप क्या है और जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, वेज ऑफ इन्हेंसिंग, हम किस तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्कर की सेफ्टी क्या होती है, कंज्यूमर साइकोलॉजी है, कंज्यूमर साइकोलॉजी में आप देखें उसकी डेफिनेशन, फोकस ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ पे है, उसका एम क्या है, गोल क्या है इसका, कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है, उसका टास्क क्या है, हिस्ट्री क्या है कंज्यूमर साइकोलॉजी की, और वॉटसन की डेफिनेशन क्या है इसके बारे में, फोकस ऑफ इंटरेस्ट, सब फील्ड्स क्या हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी की, या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी की, लर्निंग प्रिंसिपल्स और इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं आप किस तरह से लर्न करते हैं, क्लासिकल, ऑपरेंट और ऑब्जर्वेशनल, सम फैक्ट्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट प्रेफरेंस को, वो कौन से हैं,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एडवर्टाइजिंग अपील्स हैं, सॉफ्ट सेल अपील है, हार्ड सेल अपील है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है इसका क्लियर करना. एग्जाम्पल्स के साथ उसको अंडरस्टैंड करें ताकि कोई भी सिनेरियो आए तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये सॉफ्ट सेल अपील है या हार्ड सेल अपील है. इसकी एग्जाम्पल्स भी मैंशन कर दी गई हैं, इनमें से भी कोई एग्जाम्पल आ सकती है. सेल्फ मोनिटरिंग एंड बाइंग बिहेवियर क्या है? हाई सेल्फ मोनिटर्स कौन से होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है ये जो हाईलाइट है ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं. नीड ड्रिवन कंज्यूमर इंक्लूड क्या है? आउटर डायरेक्टेड क्या है? इनर डायरेक्टेड कंज्यूमर्स क्या हैं? ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. इनमें से कोई एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, जैसे आई एम मी है तो ये क्या है, इनर डायरेक्टेड है या आउटर डायरेक्टेड है या फिर नीड ड्रिवन कंज्यूमर है. तो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है, इस तरह से पॉइंट्स आएंगे आपको एमसीक्यूज़ में. सर्वाइवर्स एंड द सस्टेनर्स ये कौन से होते हैं लोग? एंड साइकोग्राफिक प्रोफाइल्स क्या हैं? सब कल्चरल डिफरेंसेस क्या होते हैं? एंड देन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो इसके बारे में एपीए की रिवीजन कितने नंबर पे है ये और इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. हिस्ट्री क्या है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, जो रिसर्चर फाइंडिंग है उनकी वो क्या है और डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं किन्होंने काम किया है, फॉर्मेटिव ईयर्स कौन से हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक क्या है एथलीट की. रिसर्च फाइंडिंग बताई है उन्होंने कुछ, एथलीट जो हैं उनके स्कोर अगर कम हैं तो किस पे कम होने चाहिए, एंग्जाइटी पे भी, डिप्रेशन पे और फटीग पे. इन्हेंसिंग मैक्सिमाइज, हम किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं स्पोर्ट परफॉर्मेंस को. क्वेश्चन है अराउजल लेवल क्या है, अराउजल क्या है, डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, एमसीक्यूज में भी, और इसमें जो आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज में. अराउजल कितना ज़्यादा अच्छा होता है स्पोर्ट परफॉर्मेंस पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मेंटल प्रैक्टिस क्या होती है, रिसर्च जो है वो क्या कहती है इस चीज़ के बारे में, मेंटल प्रैक्टिस और स्पोर्ट परफॉर्मेंस जो है किस तरह से लिंक्ड है या फंक्शंस क्या है मेंटल प्रैक्टिस का और मेंटल प्रैक्टिस क्या होती है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिनोमिनन क्या है ऑफ होम फील्ड एडवांटेज का. अदर स्ट्रेटजीज जो हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की वो कौन सी हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके, स्ट्रेस मैनेजमेंट ओवरकमिंग एंग्जाइटी किस तरह से कर सकते हैं हम. एंड नेक्स्ट चैप्टर फॉरेंसिक साइकोलॉजी, दिस इज लास्ट चैप्टर है और इसमें आप फॉरेंसिक से रिलेटेड यानी उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर हम उसको करते हैं, उस साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका उनका टास्क क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और कहाँ कहाँ पर वो ये जॉब कर सकते हैं और लीगल सिस्टम में ज़्यादा होते हैं और वो उनका रोल जो है कहाँ कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कंट्रीब्यूशंस क्या है और रोल क्या है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का. एंड देन ओरिजिन क्या है इसका, हिस्ट्री क्या है और फर्स्ट फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कौन थे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या हैं इसकी जो कि कॉमनली यूज होती हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में, फॉरेंसिक साइकोलॉजी में. सो एथिक्स जो हैं वो भी ज़रूरी हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, साइकोलॉजी ऑफ वुमेन क्या है, वो उसकी डिवीजन क्या है एपीए में. एंड दिस वाज अबाउट द लेक्चर नंबर 45 एंड वी हैव कवर्ड ऑल द लेक्चर्स ऑफ द फाइनल टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन जो है आई होप के अगर आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, गाइडलाइंस को फॉलो किए हैं और इस तरह से सारी आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और 4 CGPA आपका आएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और इस तरह से आप उसको मैनेज कर लेंगे. कंसेप्चुअल भी हो सकते हैं एमसीक्यूज, क्वेश्चंस भी कंसेप्चुअल हो सकते हैं, सिनेरियोज आपने उसको आइडेंटिफाई करना होगा. सो आप कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें, लेक्चर्स अटेंड करें, हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से रीड आउट करें और ये जो हाइलाइटेड हैं इनको भी चेक करें और वीडियो को वॉच करना है पूरा आपने ताकि कोई भी वीडियो कोई भी जो है वो आपने स्किप नहीं करनी वीडियो, बिकॉज आप वीडियो स्किप करते हैं तो फिर आपको एमसीक्यूज की समझ नहीं आएगी कि एमसीक्यूज किस तरह से कंसेप्चुअल पूछे जा सकते हैं या किस वे में पूछे जा सकते हैं. तो वो सब कुछ जो है वो आपको गाइड कर दिया गया है प्रॉपर. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन दिस कम्युनिटी सो दैट यू गेट न्यू अपडेट्स और न्यू वीडियोज एंड न्यू नोटिफिकेशन ऑन इन फ्यूचर. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अनदर चैनल ऑफ साइकी सीकर, उसको भी विजिट कर लें अगर इंटरेस्टिंग है आपके लिए, आपके आपके लिए फैसिलिटेशन है वहाँ पर, आपको नॉलेज मिल रहा है या आप कुछ सीख रहे हैं, देन उसको भी सब्सक्राइब कर लें. एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म एग्जाम्स. शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स सो दैट वो भी उनको भी एक आइडिया हो जाए, उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए. एंड अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.